हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एफकेट एंड सीएपीएफ तो गाइस मैं ए अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफकेट एंड सीएपीएफ पे तो कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे तो आज की सेशन के सेशन की हम शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है बारह फरवरी तेरह फरवरी और चौदह फरवरी को आपका एग्जाम है तो उस एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं मिक्स क्वेश्चन का सेशन तो गाइज एक बार क्या करिए सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए योर चैनल तो भाई बिल्कुल हम आ चुके हैं तो भाई कौन कौन आया हुआ है क्लास में टाइम से कुमार कंच स्माइलिंग सोना फिर लेट अरे आज तो मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ आज क्यों लेट हो गई मैं आज तो हम बिल्कुल टाइम पे आए हैं बताओ आए या नहीं आए टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे तुम्हारी मैम आई है आज पाव लागू सोना मैम चलो पाव लाग ली चलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाइस आप जब आप आपको पता है कि सेवेंटी थर्ड आपका क्या है रिपब्लिक डे आपका अभी भी गया तो उस रिपब्लिक डे के लिए आप लोगों के लिए हमारा एग्जाम्पल लेके आया है एक आपके लिए ऑफर ऑफर क्या है ऑफ़र ये है कि आप लोग यदि 45 परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं कि हर एक बैच पर आप लोगों को 45 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है कोर्सेज पे यूज़ कीजिए इस कूपन कोड को भारत 45 जब आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे भारत 45 तो आपको 45 परसेंट का क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा और बाकी का सरप्राइज कल के लिए रहेगा ठीक है तो यूज यू डिस्काउंट तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन पर है है बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जल्द जल्द से आंसर जल देना है आप लोगों को करा दे हैचार्य उसे भी करा दे तू है देखो जैसे जो किंग है वो आपके थ्रोन पे बैठता है जैसे किंग जो है वो आपके सिंहासन पे बैठता है तो जज कहाँ पे बैठता है बेंच पे जहां पे वो बैठता है उसे कहते हैं बेंच जैसे किंग आपकी महासभा में बैठता है तो आप ये नहीं कहोगे कि जज आपका कोर्ट में बैठता है यदि यहाँ पे आपका महासभा होता है थ्रोन की जगह ठीक है तो हम जब कह सकते थे कि जज जो है वो आपका कोर्ट में बैठता है लेकिन जज जैसे किंग आपका सिंहासन पे बैठता है तो जज जहां पे बैठता है उसे क्या कहा जाता है बेंच कहा जाता है क्या कहा जाता है बेंच तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लायन जैसे रोर करता है तो एस क्या करता है लायन जैसे लायन जो होता है वो अपनी साउंड प्रोड्यूस करता है रोर इज द साउंड प्रोड्यूस बाय लायन तो आपका जो एस होता है वो एस जो होता है उसकी जो साउंड होती है उसे क्या कहते हैं ब्रेक

क्या कहते हैं स्कैम्पर मतलब होता है एकदम तुरंत तेजी से भाग जाना स्कैम्पर इज द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ माउस तो राइट आंसर इज स्कैम्पर विल बी द करेक्ट आंसर तो इसका जो राइट right आंसर बनेगा वो बच्चों वो बनेगा बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ डैचू डैचू ख़ुशी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सर्कल को जैसे हम आर्क लगा देते दे, यदि हमने किसी भी चीज को मतलब कंपास में पेंसिल को रख के यदि हमने आर्क लगा दी तो उस आर्क को जब हम कंप्लीट करेंगे तो वो क्या होगा आपका सर्कल की फॉर्म आ जाएगा तो वैसे ही आपका स्क्वायर यदि हम लाइन से करेंगे तो लाइन को कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए स्क्वायर को बनाने के लिए लाइन की आवश्यकता होती है और सर्कल को बनाने के लिए जैसे आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल सो लाइन इज द पार्ट ऑफ स्क्वायर तो राइट आंसर इज लाइन विल बी द करेक्ट आंसर तो इसका जो राइट right आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बैगन का जो भरता होता है वो क्या होता है, क्या होता है, होता है. तो राइट आंसर ऑरेंज इज रिलेटेड टू ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा फ्रूट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टेमिनेशन इज रिलेटेड टू फूड एंड इनफेक्शन इज रिलेटेड टू कॉन्टेमिनेशन क्या होता है जब किसी फूड को दूषित हो जाता है जब खाना आपका दूषित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है कहा जाता है तो वैसे ही जो इनफेक्शन से? से तो वैसे ही आपकी जो बॉडी इफेक्ट होती है वो क्या होता है आपका इन्फेक्शन क्या होता है इन द सेम बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन तो राइट आंसर इज आ बॉडी विल बी द करेक्ट आंसर तो राइट आंसर जो बनेगा लक्ष्य प्रदीप खुशेट उपासना अध्यक्षर इज रिलेटेड टू जैसे अपोजिट क्या, right क्या, क्या होगा रॉन्ग होगा राइट के अपोजिट क्या, क्या बनेगा रॉन्ग होगा प्लेजर इज अपोजिट ऑफ सोरो सेम वे एज राइट इज अपोजिट ऑफ रॉन्ग तो राइट आंसर इज द रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर एलुमिनियम इज रिलेटेड टू बॉक्साइड एंड आयरन इज रिलेटेड टू बताइए एल्यूमिनियम हाँ. वैसे ही आपका जो होता होता है है वो क्या होता है? आपका इज राइट आंसर इज ऑप्शन मिल बी द करेक्ट आंसर हेमेटाइट जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा ट्रुथफुलनेस मतलब क्या होता है सच्चा लाय मतलब होता है झूठा तो ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है लॉयल्टी मतलब क्या होता है जो तुम्हारे प्रति लॉयल दिखे ईमानदार भी थी जैसे आजकल की दुनिया में कोई लॉयल्टी तो होते नहीं सब धोखेबाज या ट्रेटर भरे हुए हैं तो लॉयल्टी के जो अपोजिट होता है वो होता है ट्रेटर तो ट्रेटर विल बी द करेक्ट आंसर तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है आज कोई चटकेगा बेटा आज मेरे घर में तो हाउस इज रिलेटेड टू डोर कंपाउंड इज रिलेटेड टू इज इज रिलेटेड रिलेटेड टू टू डोर डोर एंड कंपाउंड आर एंट्री टू अ हाउस डोर से क्या करते हैं? हम घर में एंट्री लेते हैं कंपाउंड में एंट्री करने के लिए हम क्या यूज करते इन द सेम वे एज कंपाउंड में एंट्री करने, करने के लिए हम किसका यूज करते हैं गेट का इस्तेमाल करते हैं तो राइट आंसर इज अ गेट विल बी द करेक्ट आंसर तो ए ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल right राइट आंसर आज राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही हूँ नलाय को ज्यादा क्वेश्चन कराना है इसलिए राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही हूँ हांगकॉन्ग जैसे आपका चाइना से रिलेट करता है तो वेटिकन किससे रिलेट करता है हॉगकॉन्ग की जो आपकी क्या है होंगकॉन्ग किस में चाइना में वेटिकन किसम है आपका रोम में तो रोम विल बी द करेक्ट आंसर जिस प्रकार से हांगकॉग आपका चाइना में है तो वेटिकन आपकी जो सिटी है वो किसमें है रोम में तो रोम विल बी द करेक्ट आंसर तो डी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर जियांट मतलब क्या होता है विशाल द्वार मतलब क्या होता है आपका बोना जियांट एंड द्वार बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर जीनियस क्या होता है आपका जीनियस होता है इंटेलिजेंट और genius के अपोजिट क्या बनेगा आपका इडियट बनेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है अपोजिट है तो genius के अपोजिट क्या बनेगा आपका इडियट बनेगा तो सी ऑप्शन आर्य क्या था एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था वारा मीरा कौन था astronomer था वारा मीरा कौन था astronomer था तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन will be द करेक्ट आंसर

कोगर जैसे आपका साउथ अमेरिका में है तो ओकापी कहां पे है कोगर क्या होता है अ टाइप ऑफ लॉयन जो आपका जो लायन है ये क्या होता है आपका अ टाइप ऑफ अ टाइप ऑफ लाइन ये जो लायन होता है वो कहां पे है साउथ अमेरिका में पाया जाता है तो ओकापी जो है वो आपका कहां पे पाया जाता है बताओ सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है कहाँ पाया जाता है सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है तो राइट right आंसर जो बनेगा गाइस वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर

मांस को क्या कहा जाता है मीट को क्या कहा जाता है मटन कहा जाता है डियर के मांस को क्या कहा जाता है तो डियर के मांस को मांस को क्या कहा जाता है बेटा वेनिसन कहा जाता है एज मटन इज द मीट ऑफ शीप एज मटन एज मीट द मीट ऑफ डियर तो राइट आंसर इज विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर टी के रिलेटेड टू लीव्स जैसे जो टी होती है चाय की पत्ती होती है नाम सुनाओगे चाय की पत्ती तो टी जैसे लीव से रिलेट करता है तो कॉफी के क्या होते हैं बीन्स होते हैं सीड्स होते हैं क्या होते हैं कॉफी क्या होती है आपकी सीड्स होती है मैं दुश्मन से भी ना करूं नफरत पता नहीं कब काम पड़ जाए अरे भैया तू तो भैया काम वाला बंदा है दुश्मन से भी नफरत ना करें

भैया आज तू तो दार्जिलिंग की गलियों में निकलेगा ना लोग तुझको देख के ना भुचक्का रह जाएंगे गुरुदेव आज तो तू भैया नाके निकला है तो आज तो तेरा दार्जिलिंग की गलियों में निकलना बहुत अच्छी बात है बता हम्म तुझे भुला दिया हो हॉर्स इज रिलेटेड टू घोड़ा कहाँ रहता है घोड़े की रहने की जगह को क्या बोला जाता है स्टेबल मैन की रहने की जगह को क्या बोला जाता है हाउस बोला जाता है तो हाउस विल बी द करेक्ट आंसर तो डी ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा जसकरण असेत उपासना स्माइलिंग खुर्शीद विजेंद्र बताओ भाई राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैसन जो मकान मैसन होता है मकान बनाने वाला का मकान बनाने वाला क्या बनाता है दीवार को बनाता है तो कारपेंटर क्या करता है कारपेंटर किसका निर्माण करता है चेयर का निर्माण करता है कारपेंटर क्या करता है चेयर का निर्माण करता है तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा चेयर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नाइफ से क्या होता है कट होता है नाइफ किसके लिए यूज होता है कट करने के लिए यूज होता है ठीक है रोमा सिंह आदित्य Knife का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो गार्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है गार्ड कौन करता है हमें प्रोटेक्ट कौन करता है शील्ड क्या करती है? करती है है हमें प्रोटेक्ट स्क्रीन गार्ड बोलते हैं ना तो वैसे हमें शील्ड क्या करते विजेंद्र अभी बताऊ विजेंद्र बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना है मुझे तुम्हारे बारह बारह फरवरी से पहले पहले ठीक है तो जो स्पीड है वो इससे भी ज्यादा होगी कल इससे भी ज्यादा स्पीड होगी ठीक है कल की क्लास में एक घंटे की कल की क्लास यदि किसी ने नहीं देखी संडे को तो कल की क्लास जरूर देख लेना क्योंकि कल संडे की क्लास में आप लोगों की मतलब एक घंटा पंद्रह मिनट की क्लास थी कुछ नर, करीब करीब आपके नब्बे क्वेश्चन हुए तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा 75 मिनट में नब्बे क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात है तो कल की क्लास को जरूर देख लेना भाई देखो नाइफ क्या करता है कट करता है तो गार्ड कौन करता है शील्ड करता है शील्ड क्या करता है गार्ड करता है कॉबलर क्या बनाता है कॉबलर लेदर का इस्तेमाल करके क्या बनाता है जूते बनाता है बताओ कॉबलर यूज लेदर टू मैं तो वैसे ही टेलर जो है वो क्लोथ को यूज करके क्या करता है ड्रेसेस का बनाता है ड्रेसेस बनाता है क्या बनाता है ड्रेसेस बनाता है टेलर कपड़े का यूज करके ड्रेस बनाता है वैसे ही कॉबलर जो है वो लेदर का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं शूज बनाता है लक्ष्य ये तेरे को लक्ष्य तेरी शेर वायरी ना धरी की धरी रह जाएगी तेरा पेपर ढंग से नहीं निकला एफ कैट का और फिर मैं बताऊंगी लक्ष्य तुझे इतना मारू मारू इतना अमारू, दो हाथ भी कम पड़ गए मुझे तुझे मारने के लिए कॉलेज रिलेटेड टू डीन 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 जैसे को, जो dean है इज द हेड ऑफ कॉलेज तो म्यूजियम म्यूजियम का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं क्यूरेटर कहते हैं क्या कहते हैं क्यूरेटर कहा जाता है तो क्यूरेटर विल बी द करेक्ट आंसर बेटा अल्फाबेट वाले क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आते खुर्शीद आलम कितनी बार बोला है कितनी बार जो मैं पढ़ा रही हूँ उन क्वेश्चन को कर जाओगे ना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ठीक है सीधा सीधा अस्सी से पिचासी नंबर ला सकते हो तो यदि ढंग से क्लास को लो तो Mot, जैसे mot, आपका एक टाइप का कीट होता है इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है तो माउस जो होता है वो किसकी कैटेगरी में आता है रोडेंट की कैटेगरी में आता है किसकी कैटेगरी में रोडेंट की कैटेगरी में आता है तो रोडेंट विल बी द करेक्ट आंसर तो माउस जो है वो रोडेंट फैमिली से क्या करता है बिलोंग करता है द जैसे मैगजीन आपका एडिटर से रिलेट करता है तो ड्रामा किससे रिलेट करता है मैगजीन को जो एडिटर इज पब्लिशिंग पब्लिशिंग अ मैगजीन इन द सेम वे डायरेक्टर जो है वो प्लेइंग करता है किसको ड्रामा को क्या करता है प्लेइंग कराता है एक्टर के थ्रू तो राइट आंसर इज अ डायरेक्टर विल बी द करेक्ट आंसर तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डायरेक्टर क्लियर है डायरेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा सेम क्वेश्चन है आर के यदि आपका सर्कल से रिलेट करता है तो लाइन किससे रिलेट करेगा रेक्ट से रेक्टेंगल से रिलेट करेगा सर्कल आर्क को बढ़ा दो सर्कल बन जाएगा लाइनों को बढ़ा दो रेक्टेंगल बन जाएगा तो राइट आंसर इज रेक्टेंगल विल बी द करेक्ट आंसर तो बी ऑप्शन जो बनेगा 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 वो क्या बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंच फ्रेंच इज इज रिलेटेड रिलेटेड टू टू फ्रांस एंड डच की लैंग्वेज जो होती है फ्रांस में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है डच जो लैंग्वेज होती है वो किसकी है ओलैंड किसकी है ओलैंड की तो राइट आंसर ईजा ए ऑप्शन विल बी द

लेटर 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 रिलेटेड रिलेटेड टू टू टेलीग्राम एंड ट्रेन जैसे पुराने जमाने में क्या करते हम लेटर करते थे थे हम भेजा फिर टेलीग्राम आ गया पहले जमाने में ट्रेन हुआ करती थी उसके बाद क्या आ गया आपका एरोप्लेन आ गया क्या आ गया बेटा एरोप्लेन आ गया तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम फेसिया प्राइम फेसिया क्या है ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है लेटिन एक्सप्रेशन है क्या है आपका लेटिन एक्सप्रेशन है और इसका मतलब होता है ऑन द फर्स्ट व्यू प्राइम फेसी का मतलब होता है ऑन द फर्स्ट व्यू तो सेम एज इन पार्ट डेलीसिटो ये आपका क्या है लेटिन एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होता है बोथ पार्टीज इक्वली एट फॉल्ट दोनों पार्टी की क्या है गलती है बोथ पार्टीज इक्वली एट फॉल्ट तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नाइट एंगल की जो आवाज होती है वो होती आपकी वॉर्बल frog की आवाज को क्या कहा जाता है टर 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 क्रॉक कहा जाता है तो क्रॉक विल बी द करेक्ट आंसर तो बी ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर मोनोटोनी मोनोटोनी का मतलब होता है बहुत एक मोनोटोनी का मतलब होता है एक वैरायटी होती है बहुत सारी ठीक है तो मोनोटोनी एंड वैरायटी बहुत सारा अपोजिट टू ईच अदर ये कह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्रूडनेस के अपोजिट क्या बनेगा आपका रिफाइनमेंट क्या बनेगा उस एंड पायरेट इज रिलेटेड टू बर्गलर कौन होता है आपका चोर होता है जो घर की चोरी करता है घर में घुसकर चोरी करता है उसे कहा जाता है बर्गलर पायरेट किस कहा जाता है पायरेट उसे कहा जाता है जो शिप पे चोरी करता है किस पे करता है शिप पे चोरी करता है उसे क्या कहा जाता है पायरेट कहा जाता है so, मतलब हाउस इज रॉब्ड बाय बर्गलर शिप इज रॉब्ड बाय पायरेट तो राइट आंसर इज शिप विल बी द करेक्ट आंसर तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन हिल इज रिलेटेड टू माउंटेन एंड स्ट्रीम इज रिलेटेड टू बताओ आ, मैं थक गई थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ मैं माउंटेन जो है वो बड़ा है हिल से हिल होता है पहाड़ी माउंटेन होता है आपका पहाड़ तो नॉर्मल सी बात है पहाड़ी होती छोटी छोटी माउंटेन होता है बड़ा माउंटेन तो ये इसका मतलब क्या हिल क्या है आपकी छोटी है किससे माउंटेन से तो स्ट्रीम जो है वो आपकी क्या है छोटी है किससे रिवर से तो स्ट्रीम जो है वो रिवर की एक क्या है छोटी नदी जिसे कहा जाता है और नदी किसे कहा जाता है बड़ी नदी रिवर को कहा जाता है तो राइट आंसर इज ऑप्शन मिल बी द करेक्ट आंसर पिरामिड का है आपका इजिप्ट में आइफल टावर का है फ्रांस पेरिस

फ्लावर से क्या आता है स्मेल आता है फूड से बताओ स्मेल इज फाउंड करेशन जो होता है वो क्या करता है बेटा विनाश विनाश किसका होता है फायर से जब होता है एनहिलेशन हो जाता है तो जब अर्थक्वेक होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कैटेगरी मतलब पढ़ले जिसे कहा जाता है तो ये किस में होता है आपका अर्थक्वेक में तो अर्थक्वेक जो बनेगा वो क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन फायर कैन लीड टू एनिशन विजेंद्र चौधरी हाँ बताऊ अभी आज विजेंद्र तुझे मैं बता बताती तो बेटा तुम्हारे पेपर के चक्कर में ना जितनी स्पीड में मैं पढ़ाऊंगी ना उतनी स्पीड में तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा तबियत को देखना होगा ना मैं चौदह फरवरी के बाद अपनी तबियत देख लूंगी

मुर्गी से क्या बनता है एग मिलता है मुर्गी से क्या बनता है हमें एग मिलता है तो ए ऑप्शन आंसर मोटरसाइकिल बिना बैटरी के नहीं चल सकती तो लाइफ किस से नहीं चल सकती लाइफ जो है वो आपकी सन से नहीं चल सकती लाइफ जो है बेटा आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मोटरसाइकिल सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ

नीडल घड़ी में क्या होता है आपका नीडल होता है घड़ी में क्या होती है आपकी सुई होती है ब्लेड किसमें होता है फैन में क्या होता है आपका ब्लेड होता है फैन में क्या होता है आपका ब्लेड होता है तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है पिच पे खेला जाता है रेसलिंग कहां की जाती है अरेना में की जाती है जैसे क्रिकेट आपका पिच पे खेला जाता है तो रेसलिंग कहां की जाती है अरेना में की जाती है तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आई को क्या करते हैं बिंग करते हैं आई को क्या करते हैं झपकाते हैं बिंग करते हैं हार्ट को क्या करते हैं किसी ने आंसर दिया ना पंप में मुंह पे मारूंगी बल मार नहीं सकती लेकिन मैं बोल तो सकती हूँ थप्पड़ खा लोगे हार्ट क्या करता है आपका थ्रोप करता है क्या करता है थ्रोप करता है तो थ्रो विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है यहां पे हम मूवमेंट के बारे में बात करें जैसे विंग इज द मूवमेंट ऑफ आई थ्रोब इज द मूवमेंट ऑफ हर्ट तो राइट आंसर इज अ थ्रोब विल बी द करेक्ट आंसर करके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सॉरी गुड इवनिंग ठीक है गुड मॉर्निंग भी हो गया गुड आफ्टरनून भी बोल गया गुड इवनिंग थ्रो विल बी द करेक्ट आंसर तो ए ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर प्यूट्रिट्री इज रिलेटेड टू ब्रेन प्यूट्रिट्री क्या होता है आपका ब्रेन प्यूट्रिट्री क्या है आपकी ग्लैंड है किसकी किसकी ग्लैंड है ब्रेन की ग्लैंड है तो वैसे ही आपका जो है वो किसकी ग्लैंड है थाइमस इज द ग्लैंड प्रेजेंट इन चेस्ट तो थाइमस जो ऐसी ग्लैंड है जो किसमें प्रेजेंट होती है सोनू सुख है चेस्ट में होती है चेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू लेबोरेटरी एक्टर इज साइंटिस्ट कहाबोरेटरी इज द वर्किंग वैसे ही स्टेज इज द वर्किंग ऑफ एक्टर तो एक्टर की क्या होती है वर्किंग प्लेस क्या होती है स्टेज होती है तो राइट आंसर इज दी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है कांग्रेस कहा जाता है कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ द ऑफ द कंट्री ऑफ यूएसए सिमिलरली आपका ईरान इज द पार्लियामेंट ऑफ और सॉरी ईरान मजलिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान तो राइट आंसर इज द मजलिस विल बी द करेक्ट आंसर तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बताओ भाई इतना समझ में आया आगे बढ़ू भैया बताओ इतना समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ू इतने एक सास में मैंने तुम्हें अभी पचास क्वेश्चन करा दिए छब्बीस मिनट के अंदर अंदर तुम्हें तो चरण छूने चाहिए मेरे कि वाओ मैम छब्बीस मिनट के अंदर एक पचास क्वेश्चन ये तो जादू हो गया जादू बताओ क्या गलत कह रहे हैं हम हम गलत कहेंगे भी नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मून अर्थ एंड यूनिवर्स मून अर्थ एंड यूनिवर्स बताओ मून अर्थ एंड यूनिवर्स वेल डन मैम नहीं अभी और क्वेश्चन करने हैं कल इससे भी स्पीड में करेंगे क्वेश्चन कल और क्वेश्चन लेके आएंगे ठीक है कल और ज्यादा क्वेश्चन की स्पीड होगी स्पीड पे फोकस करेंगे सबसे ज्यादा जो स्पीड मेरी कमजोर हो जाती है ना वो हो जाती है नॉन वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग में एक एक चीज समझानी पड़ जाती है ना तो उसमें टाइम लग जाता है अरे वाह चलो अच्छी बात है मुझे अच्छा लगा ये सुन के मेरे से पढ़ के तुम्हारी रीजनिंग अच्छे स्टेज पे पहुंच चुकी है फेंक रहे हैं पिटे का जिन्हें झूठ बोल रहा है क्या सही में पहुंच गई है चलिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मून अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में नॉर्मल सी बात है यूनिवर्स में आपके यूनिवर्स में आपका मून भी होगा अर्थ भी होगा लेकिन मून आपकी एक सैटेलाइट है अर्थ आपका क्या है एक प्लेनेट है तो ये फिफ्टी वन क्वेश्चन है बेटा तो इसका जो राइट right आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन 51, 52, 53 अब बताओ इंडिया पाकिस्तान एंड एशिया यदि मैं इंडिया पाकिस्तान एंड एशिया के बारे में बात करूं तो सेम आपका ए ऑप्शन बनेगा क्योंकि एशिया के अंदर आपका इंडिया भी आता है और पाकिस्तान भी आता है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दोनों अलग अलग कंट्री है तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन बैट्समैन क्रिकेटर एंड स्टिक यदि मैं बात करती हूँ कि जो बैट्समैन होते हैं ऑल बैट्समैन आर क्रिकेटर और जो स्टिक होता है वो इन सबसे अलग होता है तो राइट right आंसर क्या बनेगा लक्ष्य हाँ कार्तिके कुमार मनीष अहूजा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ठीक है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पेन एंड पेंसिल बुक पेन एंड पेंसिल ये क्या है आपका 54 55 क्वेश्चन बताओ बुक पेन एंड पेंसिल ये तीनों के तीनों क्या है डिफरेंट आइटम है तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम है तो राइट आंसर सी ऑप्शन हाउस बेडरूम और बाथरूम एक घर के अंदर आपका बेडरूम भी मिलता है बाथरूम भी मिलता है लेकिन बेडरूम और बाथरूम जो होता है वो दोनों एक दूसरे से क्या होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है तो ए ऑप्शन मिल भी था करेक्ट आंसर वुमेन टीचर एंड स्टूडेंट फिफ्टी फाइव के बाद फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट वुमेन टीचर एंड स्टूडेंट यदि मैं वुमेन टीचर एंड स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ वुमेन आपके टीचर होते हैं और कुछ टीचर आपके स्टूडेंट होते हैं तो वुमेन टीचर स्टूडेंट का बी ऑप्शन एलिफेंट वॉल्फ एंड एनिमल एक एनिमल है उसमें एलिफेंट भी होगा भी होगा एलिफेंट एंड जो होता होता है है वो एक दूसरे से डिफरेंट रेड ग्रीन एंड कलर तो सेम बनेगा रेड भी कलर होता है ग्रीन भी कलर होता है लेकिन रेड और ग्रीन जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन मिल बी द करेक्ट आंसर तो इस टाइप से बनेगा आपका बेटा वुमेन टीचर एंड स्टूडेंट में आप ए ऑप्शन दे रहे क्यों यदि हम इस क्वेश्चन में ये कहें कि आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर बन जाते हैं और जो अलग अलग पढ़ भी रहे होते हैं जैसे बी सी ए कर रखी है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रखी है के बाद उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया लेकिन अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकते हैं ट्वेल्थ के बाद कुछ लोग अपने स्कूल में मतलब उसमें पढ़ाने लग जाते हैं कोचिंग वोचिंग में तो वो भी तो टीचर ही होते हैं है यूनिवर्स अर्थ एंड यूरोप बताइए यूनिवर्स अर्थ एंड यूरोप में यदि हम बात करते हैं तो इसका क्या बनेगा जो आपका यूरोप है वो किस में आएगा यूरोप जो है वो आपका अर्थ पे आएगा फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन देखिए जो यूरोप है वो आपका किसके अंदर आएगा अर्थ के अंदर अर्थ किसके अंदर आएगा यूनिवर्स के अंदर पिक्चर टीवी एंड रेडियो यदि मैं पिक्चर टीवी एंड रेडियो के बारे में बात करूं पिक्चर कहाँ पे मिलती है टीवी के अंदर आपको क्या मिलती है मूवी देखने को मिलती है रेडियो क्या मिलेगा इन सबसे अलग बनेगा तो ये बन जाएगा लिविंग बींग एनिमल एंड मैन यदि मैं बात करती हूँ एनिमल एंड मैन बोथ आर लिविंग बींग लेकिन एनिमल अलग होता है मैन अलग होता है लेकिन दोनों के दोनों लिविंग है उसमें आ जाते हैं ठीक है तो राइट आंसर इज आपका बनेगा ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिख रही हूं दो. बताओ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताए देखिए यदि दे हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन बता दो भाई ए ऑप्शन दो में रुक जाओ मैंने इसका नंबर ए और एक दो तीन डाले एक मिनट जरा पहले वाले कितने क्वेश्चन हो गए सिक्सटी वन सिक्सटी वन के बाद ये एक दो तीन वाले क्वेश्चन है बताओ हाँ शेयर कर नहीं पाएंगे क्लाइंट शॉपकीपर के पास कौन आता है कस्टमर डॉक्टर के पास कौन आता, आता है पेशेंट क्लर्क के पास फाइल कोई ना आएगी तो गलत आंसर बन जाएगा तो ए ऑप्शन मिल भी द करेक्ट आंसर सेल्डम एंड ऑफ जो होता है वो दोनों का मतलब एक होता है कभी कभी ऑनेस्ट और चीट बताओ

एक दूसरे के विलोम शब्द है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका गुड एंड नाइस मनीष आहूजा लगे तू कुटे दिखे आज कार जो होती है वो आपके बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है पेन बिना इंक के नहीं चल सकता पेंसिल में लेड नहीं होगी तो वो नहीं चल सकता बेटा डस्टबिन एंड गार्बेज का कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा फंक्शनिंग का काम नहीं हो रहा है तो राइट आंसर तो बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्राइम इज रिलेटेड टू पनिशमेंट क्राइम जैसे आपका पनिशमेंट से रिलेट करता है तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अरे हाँ भाई कार में तो पता नहीं क्या क्या डलता है डीजल डलता है सीएनजी डलता है दुनिया भर की चीजें डलती है लेकिन पेट्रोल भी तो डलता है ना मूरख मोटी बुद्धि बेटा का डी भी हो सकता है क्यों बेटा लेड होती है ना अपने पेंसिल की जो जिससे आप लिखते हो उसे लेड बोला जाता है बेटा डी कैसे हो जाएगा बताना जरा जो बच्चा ये कह रहा है कि डी ऑप्शन भी हो सकता है डी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता बेटा जहर हो जाएगा फिर तो जहर फैल जाएगा देखो क्राइम करने के बाद क्या होती है पनिशमेंट मिलती मिलती है जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो एंटरप्राइज कर, करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है आपका एक्सरसाइज से क्या है अच्छी होती है जजमेंट से क्या होता है एडवोकेट

ऑगर से क्या करते हैं बोर करते हैं गन से क्या करते हैं फायर से क्या करते है? कार करते हैं लेकिन नीडल जो है वो आपका सीलने के काम आता है ना किसी को प्रिक करने के चुबाने के तो राइट आंसर इस जो इसका सही यूज होता है वो क्या होता है आपका किसी चीज को सुई करना सीलना तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन ओनली नीडल एंड प्रिक दिस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्शन पेयर सो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बताओ इसमें से अलग क्या बनेगा हाँ मलिक गेमिंग बिल्कुल सही पेंसिल बिना उसके चल जाएगी लेट के यदि उसमें वो काली वाली स्लेटी कलर की लेड नहीं होगी तो कैसे चल जाएगी पेंसिल बेटा मैं कोई ना चलाने आऊंगी पेंसिल को फिर उस टाइम पे देखो लाइन क्या करता है दहाड़ता है स्नेक क्या करता है ऐसे करता है बीज क्या कहते हैं भिन भिन आती है डॉग क्या करता है बाग करता है फ्रोक क्या करता है फ्रॉग जो है वो टर करता है क्रोक की है. आवाज निकलता है किसकी आवाज़ होती है? भेड़ की आवाज को क्या कहा जाता है बकरी की आवाज को क्या कहा जाता है ब्लीड कहा जाता है क्या किया जाता है बकरी की गोट की आवाज को क्या कहा जाता है ब्लीड कहा जाता है तो राइट आंसर इज ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है ऑयल रिलेटेड टू लैम्प ऑयल जो है जो जो है वो बिना ऑयल के नहीं चलेगा जो आपका है है वो आपके आप क्या है, बेटा बिना ऑयल के नहीं चलेगा ठीक है लाइफ जो है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं चलेगी मशीन जो है बिना पावर के नहीं चलेगा बेटा टैप तो बिना वाटर के चल सकती है टैप को तो ऑन कर सकते हो आप टैप को ऑन कर तो चाहे उसमें से वाटर आए ना आए वो एक अलग बात है लेकिन टैप आप ऑन तो कर सकते हो

आर्टिस्ट जो होता है कलाकार जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है एक टाइप का बस एक एक टाइप का आपका पार्ट होता है लेकिन वो आपका बॉस नहीं होता हेड नहीं होता आर्टिस्ट इज नॉट अ हेड ऑफ ट्रू ट्रूप प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ़ कैबिनेट कैप्टन इज द हेड ऑफ़ टीम बॉस इज गैंग लेकिन आर्टिस्ट जो है जो आर्टिस्ट है वो क्या है इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रूथ वो क्या होता है बेटा हेड नहीं होता है तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड एंड सॉफ्ट पॉइंटेड एंड ब्लंट स्वीट एंड सॉफ्ट लॉन्ग एंड हाई डे एंड नाइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट एक दूसरे के अपोजिट पॉइंटेड एंड ब्लंट एक दूसरे के अपोजिट स्वीट एंड खट्टा मीठा एक दूसरे के अपोजिट डे नाइट एक दूसरे के अपोजिट लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग के अपोजिट होता है, आपका और के होता है आपका तो 38 में हमने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए कितने कर लिए बेटा 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अभी तो और करेंगे अभी तो भैया और करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें टाइम लगेगा बेटा देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें टाइम देना भी चाहिए अभी तो मैं बहुत देर से स्पीड में पढ़ा रही थी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो भाई इसमें तो टाइम लगेगा लगेगा बताओ हम कुछ गलत बोले हैं क्या चलो बताओ भाई लगाओ दिमाग वाह मैम कांग्रेचुलेषन कॉन्ग्रेचुलेषन तुम खुद के लिए बोलो जितने भी बच्चे हैं ना जरा ना वो ले क्लास ले लिए लाइक कौन करेगा सेशन को लाइक करना तो भी तो तुम्हारा काम है न को लाइक कौन कर देगा सुपरिया लक्ष्य खुशी मनीष लाइक करो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाओ कि वाह मैम ने कितनी अच्छी क्लास ली है हाँ बनारसी पान हमने नहीं खाया है हम नहीं खाते पान नहीं खाया हमने देखो यदि हम इसमें बात करते देखो जैसा आपका पहला है वैसी आपका फिफ्थ है है या नहीं है जैसा आपका पहला है वैसी आपका फिफ्थ है पहले के बाद जो दूसरा है वो इस टाइप से बना तो पांचवे के बाद जो छठा बनेगा वो इस टाइप से बनेगा यदि इस टाइप से बनेगा तो ये दोनों ऑप्शन गलत ठीक है गलत होगा या नहीं होगा तो देखो जो सी है वो आपका किस पे आ गया सेकेंड प्लेस पे आ गया तो ये जो जोयर है वो आपकी सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा यदि प्लेस पे आएगा तो इन दोनों में तो बन ही नहीं रहा किस में बन रहा है सी ऑप्शन में बन रहा है तो सी ऑप्शन विल बी द द करेक्ट आंसर सही बोलते हैं डी डी अरे वाह 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 तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका सी ऑप्शन बनेगा ठीक है क्लियर है तो कितने क्वेश्चन हो गए सेवन कितने हो गए बेटा सेवन तो आज तो भाई चालीस मिनट में तुम लोगों ने गजब ढा दिया सेवेंटी टू क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं अब बताओ अब बात करेंगे बताओ किसको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझको ये बताया जाए कि किस बच्चे को क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया रेज यूर एंड आज तो भैया एवरेज मोस्ट टाइम भी गजब का गया तुम लोगों का मतलब मजा आया आज की क्लास में तुम्हें कल की क्लास में और ज्यादा मजा आएगा कल की क्लास में और क्वेश्चंस लिख के आएंगे कार में पेट्रोल जरूरी है अरे मलिक जी तूने तो जान खा के मान ली कार में पेट्रोल जरूरी है बताओ भाई किसका नाम निशांत है भाई अब हम बातें सुनेंगे तुम लोगों की तुम लोगों की बातें क्या है अच्छा ये बताओ किस किस का एग्जाम कब कब है जस्करन उपासना ये बताइए कि कैसा लगा सेशन निशान कुमार वाटर इमेज के क्वेश्चन नहीं आते लेकिन उस टाइप के जो हैं में पूछ है, वो, sorry, बहुत मजा आया मैम तो कितने क्वेश्चन सही हुए अब मुझे ये बताओ 72 मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट uh, कराए हैं सेवनटी टू क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और डेली अब आपकी आज इकतीस तारीख है बारह दिन लगातार आपकी ऐसी ही क्लास चलेगी बारह दिन लगातार ऐसी ही क्लास चलेगी मिक्स क्वेश्चंस की क्लास चलेगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताओ अच्छा मनीष आहूजा वहां पे मैं मैं इस वाले चैनल पे मैं कभी भी नहीं देती वहां पे मैं एफकेट वाले बच्चों को कभी भी चैलेंज वाले क्वेश्चन नहीं देती थी वो मैं एसएससी वालों बच्चों को देती थी तो उसमें तो मैं आज भी देती हूँ लक्ष्य फोर्टीन फेब को एग्जाम मेरा तेरह तो वैलेंटाइन और आर्मी डे गया इसका मतलब है मेरा बाईस फेब को है छापरा इन बिहार तो खुर्शीद क्वेश्चन बता देना भाई उपासना बहत्तर में से सत्तर दो क्वेश्चन कहाँ गलत कर दिए सिक्सटी फाइव क्वेश्चन निशान सिक्सटी एट ए निशान तू तो लेट आया था बेटा सिक्सटी एट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर भी तूने निशान मैंने तेरा नाम तो बड़ी लेट देखा था चलो बहत्तर में से चौसठ मलिक गेमिंग

रिप्लाई नहीं कर रहे थे मन ही मन कर रहा था काउंट मनीष तो फेल होगा नलायक नाइन क्वेश्चन विजेंद्र सही हुए सत्तर में से पैंसठ कृष्ण कुमार बाकी के कहा क्वेश्चन नलायक सेवनटी टू में सिक्सटी एट क्वेश्चन चार क्वेश्चन कहा गलत कर दी फिफ्टी एट तो आए होंगे गिने नहीं अरे गिनना सीखो नलायक हो मेरे को एंड में बताओ तो तुम सही तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे कितने गलत करे हैं कल जो ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट होगा वो होगा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का नॉन वर्बल के साथ साथ डॉट सिचुएशन टेस्ट होगा उसमें एनालॉगी होगी क्लासिफिकेशन होगा साथ के साथ वर्ड एनालॉगी वर्ड क्लासिफिकेशन हमेशा तुम लोगों के साथ होगा और उस दोनों टॉपिक से मैं 50 से 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे वेन डायग्राम के भी कल काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे कल ऐसा करते हैं तीन टॉपिक लेते हैं वेन डायग्राम एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन बताओ तैयार हो कल के लिए कल इस टॉपिक के लिए तैयार हो वेन डायग्राम एनालॉगी एंड आपका क्लासिफिकेशन कम से कम डेढ़ सौ क्वेश्चन लेकिन स्पीड में करेंगे फ़ेब पटना हाँ या ना का जवाब दे दिया को 150 डेढ़ सौ क्वेश्चन बताओ कल रोंग गिन के रखूंगा हाँ नलायक रोंग आंसर मत दे दियो पता चला कल कोशिश करेंगे कि हम 50 मिनट में 150 सौ क्वेश्चन कर पाए अचीव करेंगे कुछ टारगेट को और स्पीड में ही करेंगे कल ये नहीं कहेगा कोई भी कि मैम स्पीड में क्यों पढ़ा रही हो स्पीड ही होगा बेटा क्योंकि स्पीड में ही आपको जितने से जितने क्वेश्चंस में कराऊंगी अरे मिसिंग फिगर आता नहीं आ आदित्य कश्यप क्या करोगे मिसिंग नंबर इन द फिगर करके क्या करोगे उसको टाइम बर्बाद ही है उसमें और कुछ नहीं है टाइम बर्बाद होगा उसमें मुजफ्फर मुजफ्फरपुर में है आपका पेपर बेस्ट ऑफ लफ मेरा पेपर नहीं है मैम मनीष काहे नहीं है तुम्हारा पेपर चलो बच्चों फिर तो कल ही आप लोगों से बढ़िया तरीके से मुलाकात होगी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कल की क्लास में कराए जाएंगे कल की क्लास में अपना आपको प्रिपेयर करके आइए क्योंकि जो कल की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ करीब आपके डेढ़ सौ क्वेश्चन होंगे और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एफकेट की कमर कस लो क्योंकि अब तो तैयारी यूट्यूब पे आप लोगों की ऐसी ही होगी कोई आप लोगों को कोई छूट नहीं मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस होंगे मैं आपके साथ तो 150 का बेटा कल तो मैं पानी लेके बैठूंगी गर्म पानी चाहे एक घंटा लग जाए चाहे डेढ़ घंटा क्लास में लग जाए डेढ़ सौ तो क्वेश्चन तो कराने हैं अरे निशान बेटा बतूं, मैं बता आप तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हो ना पढ़ रहे हो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब भी आपका एफ कैट का पेपर होता है क्वेश्चन पेपर तो बाहर आता नहीं क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे अब भाई मैंने तो एफ कैट दे रखा है तीन बार यदि ती मैंने तीन बार एफ कैट दे रखा है तो इसका मतलब मुझे पता है ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कौन कहा से क्वेश्चन आते हैं तो बेटा मैं तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगी मुझे पता है उनमें से ऐसे क्वेश्चन दे रखे जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते तो उन्हें करा के मैं आप लोगों का टाइम कोई ना वेस्ट कर दूंगी ठीक है तो बेटा हमेशा याद रखो कि वही पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यदि आप बात करोगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है जो क्वेश्चन दे रखे लाइक कोडिंग एंड डी से क्वेश्चन पूछ रखा है एक क्वेश्चन आता है आएगा तो कभी जिंदगी में एक ही आएगा वो भी इजी पीजी है। कभी आज तक तो कभी आया नहीं कोडिंग एंड डी जब तक मैंने पेपर दिए थे ना दो तक कभी क्वेश्चन नहीं आया कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आया उससे मैं कैसे मान लू और भैया जब तुम क्लास में आओ ना सबसे पहले ये बात करना का लाइक करना सेशन को सबसे ज्यादा लाइक होने चाहिए सेशन को मेरी और सेशन बन चुका है कल की क्लास में ओए घोरी मैम नहीं होता है नलायक कार्तिके घोरी नहीं होता है घोरी लिख दिया तूने अ घोरी टाइप का नहीं होता ये नहीं होता है ये होता है घोरी इन्हें तो हिंदी भी सिखाऊं मैं कार्तिक तेरे को तो कते बेजती सी पेल दे दी तूने मेरे तो आज है बेजती सी कर दिया आज तो तूने मेरी घोर गंगोर बेजती हुई आज ठीक है एक क्वेश्चन कोडिंग ऐसे करने क्लास के मतलब ना कब बताएंगे एक क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से आ, किसी दिन एंड में बता देगे? दिन जल, आ, आज तो, आज तो मेरे क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए तो मैं पहले ही बता देती ठीक है ओ तीस साल की न्यू कनपट्टी पे दूंगी मैं खींच के तीस साल की

गोरी मैम चैरी मैम तो तुम पूरे टाइम बोलते रहते हो करके आओ ठीक है चलो बच्चों अपना ध्यान रखना है आपको और ऐसे ही जिंदगी में मुस्कुराते रहना है जिंदगी बहुत छोटी है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए इंजॉय करते रहिए ठीक है, है? चलिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों जय हिंद और आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोगों के लिए मोहम्मद असगर अली वो मैं पर्सनली बताऊंगी मैं क्या अपनी मोटी बुद्धि करके आई थी ठीक है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को चलिए गायस बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू जय हिंद जय हिंद बच्चों